स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। सनी भाई, बहुत कुछ बदल गया। कम से कम यह था कि जॉइंट विनर ही सही, लेकिन अब तो वो खिताब भी भारत के हाथ से निकल गया। जी हाँ, बिल्कुल। आज का दिन तो मतलब ऐसा था कि बिल्कुल ऊपर कोई बादल छाए हुए नहीं थे, पिच पर भी इतनी ज्यादा हरियाली नहीं थी, तो ऐसा लगा कि आज भारत के बल्लेबाज अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे और अगर 200 रन तक अगर उन्होंने 200-250 रन भी अगर वो करते तो मैच तो बच जाती, शायद जीतने के लिए चांसेस कम थे, क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि पिच अच्छी थी तो इसका मतलब न्यूजीलैंड के 10 विकेट लेना आसान नहीं बनता। पर बल्लेबाज, जैसे आपने कहा, बल्लेबाजों ने आज ठीक तरह से बल्लेबाजी नहीं की और इसी की वजह से सिर्फ 170 करके ऑल आउट हो गए और पहली पारी में तो लीड दिया था उन्होंने, 32 रन का लीड दिया था, उसकी वजह से तो 139 रन जो करने थे वो न्यूजीलैंड ने आखिर तक थोड़ी सी मतलब धीमी बैटिंग की, पर आखिरकार आखिरी 30-40 जो रन चाहिए थे वो उन्होंने फटाफट करके ये खिताब हासिल किया। सर, आपको हार चुभ रही है वहां पर बैठकर, क्योंकि हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हम लोगों को तो बहुत हार चुभ रही है। आप हरभजन सिंह को देखें, मदन जी को देखें, आज तक के दर्शकों को देखें, हार तो सबको चुभ रही है और आप चूंकि वहां पर हैं और कुछ घंटे में आपने सारा का सारा ये माहौल बदलते हुए देखा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात नहीं, जब कभी भारतीय टीम को जीत नहीं मिलती या हार जाती है तो बहुत बुरा लगता है और आज भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था आज सुबह जिस तरह से धूप निकली थी कि आज हमारे बल्लेबाज कुछ करके दिखाएंगे, हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे, हमारे बल्लेबाज 200-250 तक ले जाएंगे और उससे न्यूजीलैंड को जीतना मुश्किल होगा। और अगर भारतीय टीम भी जीत नहीं पाई, न्यूजीलैंड भी टीम जीत नहीं पाई, ड्रॉ होती तो हम जॉइंट विनर होते, तो जॉइंट विनर की मेरे पास आशा थी। अपने आप से विनर जो बनना था उसके लिए टाइम नहीं था, समय कम था, ओवर्स भी कम थे, पर मुझे लगा कि आज जॉइंट विनर्स तो हम हो सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया आज। तो न्यूजीलैंड को मुबारकबाद, इतना सा मुल्क है जी, इतना सा मुल्क है और इतना सा मुल्क इस वक्त टेस्ट चैंपियन बन गया है। 144 साल 2400 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद जो वर्ल्ड चैंपियन मिला है टेस्ट क्रिकेट में वो न्यूजीलैंड है। लेकिन अब सवाल दो है आज। पहला सवाल ये है कि विराट कोहली की कप्तानी में कब मिलेगा भारत को, कब मिलेगा कोई कप, क्योंकि अब एक और आईसीसी टूर्नामेंट भारत हार गया है। हालांकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत हारा था, उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जिसमें भारत फेवरेट था, हालांकि लोग कहते थे कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज तक पर तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि न्यूजीलैंड पहले गया है, उनको फायदा होगा। अब सवाल यह है कि एक तो भारत को कप का इंतजार है, 2013 आज से ठीक 8 साल पहले आज ही के दिन 23 जून को भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का वो खिताब जीता था। दूसरा सवाल हरभजन सिंह से ये है मेरा कि बल्लेबाजों को क्या हो गया भारत के, क्योंकि आप पिछले कई साल के बड़े मैच देखिए, अब बायलैटरल क्रिकेट की हरभजन मैं बात नहीं कर रहा, मैं टूर्नामेंट्स की बात करता हूं। जब बड़ा मैच आता है, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज, गामा बल्लेबाज, वो क्यों नहीं चल पाते? देखिए, मुझे लगता है ये जो बड़े मैचों की आपने बात करी है उसमें तो एक डेफिनेटली वो 50 ओवर का विश्व कप का जो सेमीफाइनल मैच था न्यूजीलैंड के साथ उसकी बात होगी, फिर 2015 के जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए तो हम चेज़ नहीं कर पाए थे। तो देखिए, प्रेशर जो है ना इन बड़े मैचों का दुगना तिगना हो जाता है और हम जितना भी कहें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फिर दिखाएं बाहर की प्रेशर नहीं है, पर प्रेशर तो होता है। मैं थोड़ी बहुत जितनी भी क्रिकेट खेला हूं, मैं ये जानता हूं बतौर खिलाड़ी कि बाकी जब आप बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं उसमें क्या प्रेशर होता है और जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलते हो उसमें प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर सिचुएशन को ठीक से हम जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें जो डिसीशन मेकिंग है हमारी उतनी अच्छी नहीं। और आई फील, मैंने जब न्यूजीलैंड के सामने हम वनडे में भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी हम जब हारे थे, मैंने तभी भी एक बात कही थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर के विराट कोहली या रोहित शर्मा के ऊपर निर्भर नहीं करना है, वी नीड मोर पीपल अराउंड देम, और ज़्यादा खिलाड़ी इनके साथ होने चाहिए।
जो रन बनाए, और अगर बाहर जाके हम रन नहीं बनाएंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आज का नहीं, बहुत समय पहले का ये रिकॉर्ड है। जब जब भारत ने बाहर जाके 350-400 रन बनाए हैं, भारत ने हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला और जीता है, और जब आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। तो वही हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं विराट कोहली के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर। हाँ, ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनको बनाने चाहिए, बट हाँ ये मत भूलिए कि ये भी इंसान है, ये भी फ्लॉप हो सकते हैं, ये भी आउट हो सकते हैं। और वही हुआ, जब ये आउट होते हैं तो साथ में कोई दूसरा हाथ उठा के ये नहीं कहता कि आज विराट कोहली आउट हुए हैं तो मैं 150 रन बनाऊंगा, मैं 170 बनाऊंगा, या मैं एक बढ़िया सी 80 रन की इनिंग खेलूंगा, तो वैसा नहीं हो पा रहा है। जब तक वैसा होगा नहीं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप शायद एक आध मैच जीत पाओगे, बट अगर बड़ी चैंपियनशिप जीतनी है या फिर बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, आपको बाकी खिलाड़ियों की मदद चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आपने कहा कि विराट हैं या फिर रहाणे हैं, इनके भी रन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़े मैचों में रन बनाए, हर मैच में इनके भी रन नहीं होते। हार की मैं ये पांच बड़ी वजह हैं, पहले स्क्रीन पर, उसके बाद मैं सनी भाई के पास एक बार फिर चलता हूं। ये टॉप ऑर्डर जो है वो बड़े मैचों का दबाव नहीं झेल पा रहा है, जो भी रीजन है, आपने 2020 में देख लिया, आपने 50 ओवर में देख लिया, आपने टेस्ट क्रिकेट में भी देख लिया। ये मैं मानता हूं कि इंग्लैंड में आपको वक्त नहीं मिला, लेकिन वो आपको पहले कहना चाहिए था, हाँ हमारे पास वक्त नहीं है। दूसरी बड़ी आई थिंक जो सवाल होगा, ना सिर्फ विराट पर बल्कि चेतेश्वर पुजारा पर, क्योंकि पुजारा ने भारत को जिताने बचाने की कई पारियां खेली हैं, लेकिन वो जो जादू था वो कहां गया, क्योंकि दोनों इनिंग में बैट फेंकते हुए वो आउट हुए। भारत के टेल एंडर्स, मतलब मैं बल्लेबाजी के लिहाज से कह रहा हूं जी, आपने बनाए 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, न्यूजीलैंड ने बना दिए 87 रन, आप तो मैच वहीं पर हार गए, आप पिछड़ गए ना। आज भी जब जरूरत थी तो ऐसा नहीं है कि आपके 8-9-10 ने आकर छाती पर गेंद खाई हो या फिर रन बनाए हो, और रन नहीं बनाते। बुमराह पर भी सवाल रहेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि शायद किस्मत साथ नहीं थी, लेकिन वो पैनापन भी साथ नहीं था, वो बाउंसर नहीं था, वो यॉर्कर नहीं थे, दो स्पिनर्स। क्या भारत पीछे मुड़कर देखें तो वाजिब था, हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने ही आखिरी दिन आज बॉल डाला है। सनी भाई, मैं बल्लेबाजी की ही बात कर रहा था आपसे, थोड़ी देर पहले पुजारा की बात हुई, चेतेश्वर पुजारा तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं उनको 100 बनाए, आप कंसर्न्ड हैं, आप वरिड हैं, क्योंकि इंग्लैंड में उनके एवरेजेस नहीं है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन जरूर बनाए लेकिन बाकी सेना कंट्रीज में उनके रन नहीं है। नहीं, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, चिंतित अगर उनकी तकनीक में कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं चिंतित होता, पर अभी अभी मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पे इस माहौल में जिस मौसम और पिच का सामना करना पड़ा वो आसान नहीं था, तो बल्लेबाजों पर उंगलियां उठाना ठीक नहीं। बल्लेबाजों पर आज आप उंगलियां उठा सकते हैं, क्योंकि आज 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 का जो मौसम था बिल्कुल ब्राइट सनशाइन था, तो आज ऐसा कुछ नहीं था हवा में या पिच पर भी मतलब घास निकल गया था पूरा, तो वहां से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। पहले चार दिन जो मैच हुई वहां पे दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने, आपने देखा कि सिर्फ भारतीय टीम नहीं पर न्यूजीलैंड की टीम में से सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने 50 रन बनाए थे, डेवन कॉनवे ने पहली पारी में, तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजी आसान नहीं थी। पर आज अगर कुछ करना था तो आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बल्लेबाजी करती तो शायद ये रिजल्ट अलग होता, शायद ये मैच ड्रॉ होती, तो वो नहीं हुआ। तो मैं चिंतित नहीं हूँ कि चेतेश्वर पुजारा के बारे में, देखिए अगर आप 100 नहीं करते पर आप 80-90 करते रहते हैं तो फिर ठीक है, हमारे टीम के लिए अच्छी अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, कुछ रन बना रहे हैं, तो मैं पुजारा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। विराट, क्योंकि बड़े मैचों के बारे में देखिए जिस तरह से पहली पारी में उन्होंने ऑफ स्टंप की जजमेंट दिखाई, जिस तरह से वो गेंदबाजी खेल रहे थे, तो उससे ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ फॉर्म है। देखिए कभी कभी जब आपका बैड पैच चलता है तो आपकी पहली जो गलती होती है वो आपकी आखिरी गलती होती है, या तो अंपायर आपको आउट देता है, या तो कोई फील्डर इतना बेहतरीन कैच पकड़ता है, या कुछ ना कुछ होता है जब आपकी आपका बैड पैच चल रहा हो, तो शायद पिछले 1-1.5 साल से उनका शतक नहीं बनाया, तो कोई सिर्फ बैड पैच की वजह से और कुछ नहीं, उनकी खेल में कोई कमी है नहीं, बैटिंग तो अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसमें कोई कोई कमी है नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।